विवादों में घिरी संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावती को लेकर जहां पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है, तो वहीं हरियाणा के भाजपा कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने सूचना प्रसारण मंत्री स्मृति ईरानी और संजय लीला भंसाली को पत्र लिखे हैं, जिसमें उन्होंने संजय लीला भंसाली से कहा है कि फिल्म को बेचने के लिए इतिहास और लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना करें। और वहीं स्मृति ईरानी से विवादित फिल्म पद्मावती को देखने के बाद रिलीज करने की मांग की है। विपुल गोयल आज फरीदाबाद में की गई प्रदेश के डॉक्टरों के कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे। फरीदाबाद के एक निजी अस्पताल में पूरे प्रदेश के डॉक्टरों की एक हारकॉन 2017 के नाम से कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश के सैकड़ों डॉक्टरों ने भाग लिया और वर्तमान में चल रही बीमारियों और उनके सफल इलाज के बारे में चर्चा की। इस कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने डॉक्टरों का फरीदाबाद पहुंचने पर स्वागत किया। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने बताया कि उन्होंने फिल्म डायरेक्टर संजय लीला भंसाली को उनके पते पर एक पत्र भेजा है। इसमें उन्होंने विवाद में घिरी हुई रिलीज होने वाली फिल्म पद्मावती को लेकर कहा कि वो फिल्म बेचने के लिए इतिहास और लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना करें। ऐसा करने पर उनकी फिल्म तो बिक जाएगी, मगर इतिहास और जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। तो वहीं उन्होंने एक पत्र सूचना एवं प्रसारण मंत्री स्मृति ईरानी के नाम भी लिखा है, जिसमें उन्होंने मंत्री साहिबा से फिल्म पद्मावती को देखने के बाद रिलीज करने की अनुमति देने की मांग की है। आज ये जो यहाँ पर पेडियाट्रिक डॉक्टर्स का पूरे हरियाणा के जितने भी डॉक्टर्स हैं यहाँ पर आज इकट्ठे हुए हैं और जो भी जितना आज सोसाइटी के अंदर या हमारी नॉलेज के अंदर या इस थेरेपी के अंदर जो भी चेंजेस आए हैं वर्ल्ड वाइड, उसको डिस्कशन करने के लिए नए नए स्पेशलिस्ट बुलाए गए हैं, जो उस पर लेक्चर देने के लिए कोई स्पेशल डिजीज़ का क्या क्या इलाज हो सकता है। तो एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और मैं इस पेडियाट्रिक एसोसिएशन को बहुत बहुत धन्यवाद और मुबारकबाद देना चाहूँगा कि इस तरीके का काम आज उन्होंने फरीदाबाद किया। पूरे देश में पद्मावती को लेकर एक हंगामा सा मचा हुआ और आपने एक पत्र भी लिखा है। मैंने आज पद्मावती को लेकर, क्योंकि वो फिल्म मैंने नहीं देखी लेकिन मैंने उसका ट्रेलर जरूर देखा है, तो आज मैंने संजय लीला भंसाली जी को और अपनी स्मृति ईरानी जी को, जो कंसर्न मिनिस्टर हैं, उनको लेटर लिखा है कि इसको दोबारा देखा जाए और संजय लीला भंसाली जी को भी कहा है कि फिल्म इस तरीके से बननी चाहिए कि इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश ना किया जाए, जो सच्चाई है, चाहे अलाउद्दीन खिलजी की बात हो, चाहे रानी पद्मावती की बात हो, जो इतिहास के अंदर लिखा है वो सही, सिर्फ फिल्म को बेचने के लिए, फिल्म को बड़ा बनाने के लिए, उसको कमर्शली वायबल बनाने के लिए किसी तरीके से इतिहास को तोड़ मरोड़ कर ना पेश किया जाए, क्योंकि आपकी फिल्म तो पूरी हो जाएगी लेकिन इतिहास और लोग आपको माफ़ नहीं करेंगे। इसलिए मैं उनसे रिक्वेस्ट की है अपने सोशल मीडिया के माध्यम से भी और उनको पर्सनल मैंने लेटर भी लिखा है कि इसे रिकंसीडर करें। उसके अंदर क्या है क्या नहीं है मेरे को पूरा नहीं पता, उसको डिटेल में देखें। और मैंने अपने मंत्री स्मृति ईरानी जी को भी बात की है, तो वो भी उसे जरूर।